नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान को उसी की जुबान में दिया जा रहा है मुंह तोड़ जवाब। अगर पाकिस्तान गोला बारूद की भाषा में समझता है तो उसे उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा। भारतीय जवान भी किसी से कम नहीं है, ये बात लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने शनिवार को जिला राजौरी में राजौरी दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान कही। ऐसे में भारतीय जवानों ने भी उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सैनिकों में दहशत भी है। शुरुआत तो वे कर देते हैं, परंतु जब भारतीय सैनिक भी जवाबी कार्रवाई में यहां से गोले दागते हैं तो वे शांत हो जाते हैं। ब्रिटेन ने जलियांवाला बाग नरसंहार पर फिर मांगी माफी। जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी पर ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर माफी मांगी है और इसे शर्मनाक घटना करार दिया है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त डोमिनिक एक्यूत ने कहा कि 100 साल पहले हुई ये घटना एक बड़ी त्रासदी थी। यहाँ जो भी हुआ उसका हमें हमेशा ख्याल रहा है, ये बेहद शर्मनाक था। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राहुल गांधी पर राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। लेखी ने याचिका में राफेल मामले में कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ अवमानना का आपराधिक मामला चलाए जाने की मांग की है। लेखी ने आरोप लगाया है कि राहुल ने अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है। कोर्ट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने को राजी हो गया है। आयुष्मान भारत सरकार द्वारा समर्थित एक खास स्कीम, 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की यह एक बड़ी स्कीम है जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये सरकार द्वारा समर्थित एक खास स्कीम है जिसमें देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी मदद से लाभार्थी छोटे और बड़े सभी तरह के अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। नो बॉल विवाद में सौरव गांगुली ने किया धोनी का स्पॉट। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आईपीएल 2019 में नो बॉल को लेकर हुए विवाद में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को समर्थन करते हुए कहा कि हम सभी इंसान हैं। ऐसे आईपीएल में पहली बार देखने को मिला जब कोई कप्तान अंपायर के फैसले से नाराज होकर डग आउट से मैदान पर आया हो। अंपायर उल्हास गांधे ने राजस्थान रॉयल्स के पैंस कॉस की फुल टॉस गेंद को बीमर मानकर नो बॉल करार दी है, लेकिन फौरन ही वे इससे मुकर गए। मंडी बाजार ग्राउंड में बम्बों के खोल मिलने से मचा हड़कंप। चंडीगढ़ स्थित राम दरबार में शनिवार सुबह करीब 8 बजे 3 बम के सेल मिलने से आसपास रहने वालों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पहुंची संबंधित थाना पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद आर्मी को सूचना दे दी। आर्मी टीम ने तीनों बम सेल को कब्जे में ले लिया, जबकि थाना पुलिस मामले की जाँच में लगी है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।